हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? और मम्मी जी, पापा जी और बच्चे आ चुके थे। ये वीडियो थर्सडे का है, ये वीडियो बृहस्पतिवार का है। तो बृहस्पत में मेरे बच्चे आ चुके थे, अब उनके लिए मैं चाय पानी बना रही थी। ये मेरी बेटी है जो खड़ी है येलो शर्ट में, मम्मी जी थी। मम्मी जी मेरे पास आकर के खड़ी हो जा रही थी, चाय बना रही थी ना मैं। अच्छा लगता है ऐसे जब कोई प्यार से अपने बच्चों के पास आकर खड़ा होता है। वो थकी थकाई आई थी, लेकिन फिर भी मेरे पास आकर के खड़ी हो जा रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा था। मैंने उनसे कहा भी नहीं, फिर मैंने जाओ जाकर बैठो, उन्हें वो कुछ मुझसे बात कर रही थी खड़े खड़े। मैंने कहा चलो ठीक है, बात करती रहो, मुझे भी अच्छा लग रहा था। फीलिंग भी अच्छी आती है ना ऐसे जब कोई अपना आकर के ऐसे बातें करे, भैया किचन में आकर के बातें करे, तो फिर समझो मतलब एक प्यार सा फील होता है ना उस बंदे के अंदर से कि भैया समझो आप लोग, मैं क्या बताना चाह रही हूँ सब। मैंने मंदिर की कोई भी वीडियो नहीं डाली थी, मंदिर में गई थी, पूजा मैंने करी थी, सब काम जैसे मैं डेली कर रही हूँ 40 दिन तक, तो वो मुझे करना ही है। अब मैं 40 दिन तक रोज़ आपके लिए वीडियो थोड़ी सी डाल भी दूँ बना करके, कोई दिक्कत नहीं है मुझको। लेकिन सामने से भी तो कोई रिस्पॉन्स आए ना, मुझे लगे कि बंदे को अच्छी लग रही है, तो मैं रोज़ एक क्लिप छोटी सी डाल भी सकती हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है सामने से कि अच्छी है बुरी है, या फिर मतलब आप लोग चाहते हो देखना तो मैं डेली डालूँ एक क्लिप। क्योंकि देखो आपको भी पता है सुबह मंदिर जाना इतनी दूर डेली का ही होता है, अब डेली मैं एक वीडियो डालूंगी इस चीज़ पे तो नहीं हो सकता ना। तो थोड़ी सी क्लिप मैं डाल देती थी अपने व्लॉग के अंदर, आप लोगों के लिए थोड़ा सा दर्शन हो जाते थे। लेकिन मुझे कोई भी मतलब एक भी मैसेज मुझे ऐसा नहीं आ रहा है कि भाई मेरा दिल करे कि भाई मैं डेली डालूँ। लेकिन मैं जाऊँगी तो 40 दिन। यहाँ चाय बनाते बनाते मुझे लगा चलो दही भी जमा देते हैं, क्योंकि पापा जी को दही खाने का थोड़ा शौक है, मेरे बच्चों को भी। इसलिए मम्मी जी नमकीन वगैरह कुछ खाती नहीं है चाय से, वो सिर्फ चाय पीती हैं। मम्मी जी पूरी बनाकर लाई थी, बहुत सारी पूरी और सूखे आलू थे, तो पापा जी ने तो कहा कि मैं तो दाल चावल ही खाऊंगा, जो तुमने बनाए हैं वही खा लूँगा। बाकी मम्मी जी कहने लगी चल दो दो चार चार पूरी खा लेते हैं हम लोग, तो मैंने भी खाई थी 3 पूरियाँ, मम्मी जी ने भी 2-4 खा ली थी और बच्चों ने भी खा ली थी, मतलब हम सब ने 2-2, 3-3 पूरी खा ली थी। वो ख़त्म भी करनी थी, ऐसे वेस्ट तो करनी नहीं थी, फेंकी तो नहीं जाती है देखो कोई भी चीज़। तो हमने क्या करा, वो चाय के साथ सब ने खा ली थी, हमने खाना खाया भी नहीं था, तो हमने सब ने खा ली थी वो पूरियाँ। पापा जी ने दाल चावल खाए थे, चाय के साथ नहीं खाए थे, वो अलग से खाए थे। चाय तो सबने ऐसे ही पी ली थी, क्योंकि नमकीन वगैरह पापा जी ने मना कर दिया था, कहने लगे कि खाने का टाइम है, खाना खाएंगे थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद। और मम्मी जी बहुत अच्छे से खाना पैक करके लाई थी, सूखे आलू पूरी अचार, मतलब बहुत अच्छा सा फील होता है ना ऐसा खाना पैक करा हुआ खोल के, चाहे मतलब ठंडा हो फिर भी ठंडा भी वो खाना खाने में बड़ा अच्छा सा लगता है। देखो पूरियाँ भी बिल्कुल ठंडी चिपकी हुई थी, लेकिन अच्छी लग रही थी। मैंने भी खा ली थी, सबने खा ली थी, मतलब हमने पापा जी को छोड़कर, पापा ने दाल चावल खा लिए थे। अब ये
दाल में मैंने डालकर थोड़ी सी लाल मिर्च लगा दी थी, अच्छे से तड़का लगाया था। पापा जी को भी दाल बहुत पसंद आई थी। फिर मैंने इसमें एक आम रखा हुआ था कच्चा, आधा कटा हुआ, वो डाल दिया था। मतलब गुठली गुठली थी, उसी पर थोड़ी सी खटाई लगी हुई थी, वो डाल दी थी। और इसमें दोबारा से प्रेशर बना दिया था मैंने, क्योंकि अच्छी लगती है ना छोके के बाद एक प्रेशर बना दो। क्या बोल रही हूँ, देखो कितनी अच्छी लग रही है ना दाल बनी हुई, बहुत टेस्टी थी। फिर बाद में हम लोगों ने खाए थे दाल चावल, पहले तो चाय पी थी, पूरी खा ली थी सबने, दो दो तीन तीन आलू के साथ अच्छी लगती है ना पूरी। नमकीन वगैरह मम्मी जी खाती नहीं है चाय के साथ, तो उन्होंने कहा तू आलू पूरी दे दे मुझे। मैंने चलो भाई ठीक है। और पापा जी को फिर दाल बनने के बाद मैंने उनको खाना करके दे दिया था, उन्होंने सिर्फ चाय पी थी, उन्होंने पूरी नहीं खाई थी। और आज मेरा मन था, सब आए थे, बच्चे भी आए थे, मम्मी जी पापा जी भी आए थे, तो मेरा मन था कि भाई चलो बच्चों को पाव भाजी वगैरह कुछ बना के खिलाई जाए, क्योंकि मेरा मन था कल बनाने का। परसों भी इसके डैडी बोल रहे थे, सामान ला के दे दिया था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बनाया, बच्चे नहीं थे। तो क्या हम दोनों खा करके अकेले, मन नहीं करता ना बिना बच्चों के कोई भी चीज़ बना के खाने का। और पापा जी के लिए मैं खाना लगा रही थी, यहाँ रोटी सेक के रख के, मैं दो तीन रोटी सीखी थी बस, उनको खाना करके दे दूँगी। भाजी बनाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने इसमें दो तीन तरीके की सब्जियाँ ली थी, आलू बीन्स और इसमें गोभी, सिर्फ ये तीन सब्जियाँ मेरे पास थी। थोड़ी सी प्याज डाली थी, टमाटर डाले थे, सब चीज़ों को धोकर ये नमक डाल करके, दो चम्मच देसी घी डाल करके मैंने तीन चार सीटी लगा ली थी इसमें, क्योंकि इनको अच्छे से मैश करना होता है ना इसलिए। और thank you.
मैंने काट के रख दी थी, क्योंकि पाव भाजी के साथ में प्याज बहुत अच्छी लगती है, थोड़ी सलाद होनी चाहिए। और मसाला भी मैंने पीस लिया था, प्याज और लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने अलग बनाया था और टमाटर का पेस्ट अलग बनाया था, और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च भी पीस ली थी मसाले के साथ। और देखो कितनी अच्छी तरीके से मैंने कोशिश करी है बनाने की, बनी भी अच्छी थी काफ़ी हद तक। मैंने पहले देसी घी चढ़ा दिया था कढ़ाई में, थोड़ा सा देसी घी के साथ में मैंने थोड़ा सा बटर भी डाल दिया था, एक चम्मच भर के बड़ा सा, खूब सारा, क्योंकि बटर में ही बनती है वैसे तो भाजी, लेकिन अब इतना सारा बटर तो नहीं डालती मैं, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा घी भी डाल दिया था, बटर भी, क्योंकि पाव भी बटर में ही सिकते हैं, तो मैंने इतना बटर डाल दिया था। देखो आपको दिख ही रहा है, अच्छा खासा ज़्यादा सा डाला था, क्योंकि जब हम तेल रिफाइंड कुछ नहीं डाल लेते तो इतना तो चलता है। तो ये तो बल्कि बाज़ार की जो पाव भाजी होती है, देखना कितना उसमें बटर लगा होता है, इतना तो नहीं डाला था मैंने बनाने के बाद। फिर ऊपर से इसको मैंने अलग से तड़का दिया था, फिर ऊपर से भी बटर, मतलब काफ़ी हद तक इसमें बटर का ही यूज़ होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बटर इसमें अच्छा लगता है। और बनी भी ठीक ठाक थी। देखो मैंने पहले इसमें लहसुन प्याज का पेस्ट डाला था, लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट डाल दिया था इसमें मैंने, हींग जीरा होने के बाद, हींग नहीं डाला था, सिर्फ मैंने जीरा जीरा डाला था। जब अच्छे से वो चटक गया था तो मैंने इसमें लहसुन प्याज का पेस्ट डाल दिया था। अब जब वो उसको भूनती रही थी खूब अच्छे से, खूब अच्छा भुन गया था जब वो, फिर मैंने उसके अंदर, इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डाल दिया था, इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। मसाला जब तक भूनना है, जब तक खूब अच्छे से, मतलब तेल ही ना छोड़ दे मसाला, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कच्चापन रहता है ना मसाले में तो अच्छी नहीं लगती है, कोई सी भी सब्ज़ी बना लो आप। और मैं इतना इसको मैश कर चुकी थी, क्या कहते हैं, भाजी को इतना मैश कर चुकी थी, क्योंकि मुझ पर मैशर तो है नहीं, या फिर मतलब इस तरीके से कोई भी ऐसी चीज़ थी नहीं, मैंने पोनी पकड़ करके पोनी से दबा दबा कर खूब अच्छे से उसको कर लिया था, सब्जी को अच्छे से बढ़िया करके पेस्ट सा बना दिया था, क्योंकि भाजी में तो सब्जियों का अच्छे से पेस्ट सा ही बन जाता है बिल्कुल। अगर मतलब मिक्सी में पीस के भी पेस्ट नहीं बना सकते, ऐसे ही उसको मतलब घोटा सा लगा करके अच्छे से मैश कर लेते हैं, मैशर से वैसे मैश करते हैं, मुझ पर है ही नहीं मैशर, तो मैं अपना काम चलाऊँ किसी ना किसी चीज़ से जुगाड़ पानी कर ही लेती हूँ जब भी बनाती हूँ। और मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, जब ये मसाले सारे अच्छे से भुन जाएंगे फिर मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। अभी तो मैं इसको खूब अच्छे से भूनूंगी, तो जब भुन जाएगा फिर इसमें मैं हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसमें ज़्यादा डाली थी, क्योंकि इसमें लाल कलर ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कलर मैंने अलग से वो नहीं लगाया जो कलर आता है खाने वाला, फूड कलर बोलते हैं जिसको, क्योंकि पता है क्या है, इसमें कश्मीरी लाल मिर्च से ही कलर खूब अच्छा आ गया था। देखना आप जब बन जाएगा वो अच्छा कलर आ जाएगा। और थोड़ी सी मैंने जो कुटी हुई लाल मिर्च होती हैं वो लगाई थी, धनिया पाउडर लगाया था, हरी मिर्च भी मैंने इतनी डाल दी थी, खूब अच्छा टेस्ट आया था उसमें, पाव भाजी में टेस्टी बनी थी। जब ये अच्छे से खूब भुन जाएगा मसाला तो मैं इसमें 2 चम्मच के करीब लगाऊंगी पाव भाजी मसाला, उसका सबसे अच्छा टेस्ट आता है। ये नहीं कि खाली आप घर के मसालों में बना लोगे, जब तक पाव भाजी मसाला नहीं डालोगे जब तक भाजी का कोई टेस्ट ही नहीं आएगा आप लोगों को। तो भाजी मसाला जो आता है ना, पाव भाजी मसाला, वो आपको ज़रूर डालना है इसके अंदर। वो मैंने 2.5 चम्मच के करीब डाला था, जब वो डाल दिया था वो भी भुन गया था, तो मैंने इसको सारी सब्जियों को इसके अंदर डाल दिया था। जब ये सब्जियां खूब अच्छे से हो जाएंगी, पोनी से ये हो ही नहीं पा रही थी, फिर मुझे लगा किस चीज़ से इसको मैश करूं, मैंने क्या करा, इसको मैश करने के लिए मैंने गिलास ले लिया था। पहले मैं सोच रही थी बड़ा वाला जग ले लूँ, उससे ज़्यादा ईजी रहेगा, वो नीचे से ज़्यादा चौड़ा होता है तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा उससे, लेकिन मैंने फिर गिलास से ही कर दिया था। अच्छा खासा गिलास से भी खूब अच्छा काम हो गया था। बताना मेरी तरह किसने पाव भाजी में गिलास यूज़ करा है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करी जिससे मैश करने के लिए, और तो कोई मुझे नहीं लग रहा था कोई कुछ और जुगाड़ हो सकता था, कुछ बर्तन ही यूज़ हो सकता था इसमें इस तरीके से, क्योंकि नीचे का तला उसका थोड़ा वैसा होता है चपटा सा, तो अच्छे से उससे मैश हो जाएगा, खूब अच्छे से मैश हो जाएगा। अच्छे से भून लूँगी मैं इसको, जब ये अच्छे से भुन जाएगी तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं ढक के एक तरफ को रख लूँगी, और जब ये लोग खाएंगे ना तो इनको मैं दोबारा से तड़का लगा करके तब इन्हें सर्व करूँगी।
इसको खूब अच्छे से भून लेंगे। जब ये तेल छोड़ देगी ना सब्जी, थोड़ा थोड़ा सा तो तेल आ जाता है इसमें चारों तरफ। मेरी सब्जी हो गई थी तो मैं अब बच्चों के लिए, पापा जी के लिए, मम्मी जी के लिए प्लेट लगा करके दे रही थी। तो प्लेट मैंने देखो किस तरीके से लगाई थी, इसमें ज़रा आप ध्यान देना, वीडियो को मेरी कट मत करना बिल्कुल भी। हाँ, आपको बहुत अच्छी लगेगी वीडियो। इसमें मैंने और बटर डाला था, हल्की सी मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च और डाली थी ताकि कलर अच्छा सा आए। कलर ही इसका देखो ऐसा होना चाहिए जो देख करके मन कर जाए खाने का। और इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ी कश्मीरी मिर्च मक्खन के ऊपर, मक्खन डालूंगी पहले मैं फ्राई पैन के ऊपर, और फिर डालूंगी मैं इसके ऊपर वही जो अभी मैंने भाजी बनाई थी खूब अच्छे से। जब वो भाजी हो जाएगी ना, मैंने इतनी भाजी ली थी इस तवे के ऊपर जो लगभग इन सब के लिए हो गई थी। जब इन लोगों के डैडी आए थे तो इनके डैडी ने और मैंने अपने लिए फ्राई कर ली थी, तब हम लोगों ने खाई थी। इन लोगों के लिए देखो मैं कितने अच्छे तरीके से लगा करके प्लेट दूंगी। इस तरीके से ही मैं बनाती हूँ वैसे तो ज़्यादातर। अब इसी के अंदर मैं थोड़ी कश्मीरी मिर्च डाल करके, मक्खन जब ये हो जाएगा और इसी पे मैं थोड़ी सी भाजी डाल दूंगी। देखो कलर मिर्च मैंने डाल दी है और भाजी इतनी डाल दूंगी, सबको हो जाएगी खूब अच्छे से। जब वो फ्राई हो जाएगी खूब अच्छे से भून लूँगी। देखो भाजी तो मेरी पूरी तैयार है, अच्छे से हो गई है। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं अच्छे से इस तरीके से भून लूँगी और इसके ऊपर ना इसमें इसको फिर मैं दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। फिर मैं इन्हीं पे ही बंद सेकूँगी, ये जो पाव होते हैं ना, पाव में इसी पे सेकूँगी। क्योंकि आपने देखा होंगे मार्केट वाले पाव ना कलरफुल से होते हैं। सिर्फ मैं ऐसे ही मक्खन डालकर इनको सेकती तो इतने अच्छे इनके मतलब कि कलर नहीं आता इनके ऊपर। अब इनके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। इसी तवे पे मैं मक्खन डाल के इनको भी सेक लूँगी। और मेरी वीडियो ना स्किप मत करना बिल्कुल भी, पूरी वीडियो देखना प्लेट लगाने तक, क्योंकि आपको बहुत पसंद आएगी ये वीडियो। और हाँ, मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छा ही नहीं लगता है तो देखो कोई बात नहीं, वो तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ नहीं अच्छी लगती है तो फिर किसी को हम ज़बरदस्ती तो अच्छा नहीं लगवा सकते ना, कोई बात नहीं, वो तो खैर। लेकिन अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आप मेरी वीडियो को देखना पसंद करते हो। क्योंकि उससे क्या होता है ना, अगर मेरे सब्सक्राइब ज़्यादा बढ़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि भाई चलो भाई और लोग वीडियो बनाते हैं, या फिर आप समझ सकते हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों से। अब मैं क्या करूँगी, इसी के ऊपर देखो मक्खन और डालूँगी। इसमें भाजी लगी हुई है लेकिन इससे ना कलर बंद का बहुत अच्छा आएगा, जो पाव है ना कलरफुल से हो जाएंगे। इसी के ऊपर सेकूँगी और बच्चों को सर्व कर दूँगी। बताना मेरी पाव भाजी किस किस को अच्छी लग रही थी देखने में, और खा लेना आप लोग भी। देखो मैं अभी प्लेट लगा करके आप लोगों को दूंगी, थोड़ा थोड़ा सा सब खा लेना और बताना कैसी लगी, ठीक है ना। कोशिश तो बहुत अच्छी बनाने की करी थी और आप लोग किस तरीके से बनाते हो ये भी बताना। खा लीजिए आप लोग सबके लिए। फ्रेंड मिलने आप लोगों से आइए, ये भी बहुत पसंद करती है आप सबको, बहुत बातें करना चाहती है आप लोगों से, सबसे बहुत अच्छा लगता है इनको वीडियो में बात करना, आना वीडियो में। ज़्यादातर लोग आना नहीं चाहते लेकिन इनका मन करता है बात करने का। हम लोग छत पर घूमने आए हैं, खाना खा पी के। कितने सीरियस हो गए, बोलियो हंस के बोलो हमें। इधर दांत दिखाओ ना अपने। बोल तो दी, हम लोग छत पे घूमने आए, खाना खा पी के। खाना खा पी के और बड़ी अच्छी हवा चल रही, ठंडी ठंडी। देखो कितना अच्छा व्यू है, फोर्थ फ्लोर से नीचे देखो चक्कर आ जाएंगे। देखो कितना चारों तरफ अंधेरा है, ऊपर थोड़ी ना लाइट होगी। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से कल की वीडियो में। बाय।